हेलो एंड वेलकम स्वागत है आप सभी का महिंद्रा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे और हर दिन की तरह डिस्कस करने वाले हैं आज भी हम लॉर्ड्स ऑफ करंट अफेयर्स ठीक है लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं हमारे अपकमिंग बैचेस की तो ये है हमारे सितंबर महीने के अपकमिंग बैचेस जो कि आप आराम से इनोल कर सकते हो इन सारी बैचेस में अधिक जानकारी के लिए क्या करोगे आप हमारी वेबसाइट दैट इज डब्ल्यू डब्ल्यू विजिट करोगे राइट चलिए कल यानी कि संडे यानी कि महा मैराथन सेशन ऑनली ऑन on महिंद्राज यूट्यूब चैनल लगातार बारह घंटे राइट और ये तैयारी है किसकी आई आरआरबी पी एस की तो जम के प्रिपरेशन करना है लगातार बारह घंटा है ना चलिए बात करते हैं नेक्स्ट तो थॉट स्टार्ट करने से पहले एज यूजल हम चलते हैं अपने चार्ट बॉक्स की तरफ जहाँ पे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं मैं देख लेती हूँ हाउ मेनी हेयर्स और कौन कौन है तो यहाँ पे एक सेकेंड ना चलो यहाँ पे मुझे जो सबसे पहले दिखाई दे रही है वो है तृप्ति चतुर्वेदी जी एंड खुशबू मंडल जी नदीम जी एंड आस्था श्रीवास्तव जी विकल्प सिंह जी एंड आद्याशा राउत कार्तिक रॉय एंड अमरजीत वर्मा यश जयशवाल विश्वजीत सेठी रागनी कुमारी शरिता प्रियंका गुप्ता मम्पी पॉल इकबाल मान एंड उसके बाद है बीना पानी साहू दिनेश पोटलिया एंड uh, मुकेश एंड उसके बाद जो है निधि तिवारी एंड एंड मैनी मोर्ना तो बहुत सारे हैं यहाँ पे तो भाई करना क्या है छोटा सा काम करना है आपको क्लास की लिंक शेयर करना है छोटा वाला काम दैट इज वॉट क्लास की लिंक शेयर करना चलिए बात करते हैं आज के डेट की थॉट्स की तो थॉट्स क्या है, है हमारी तो देखिए आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले जिस थॉट को हम डिस्कस करने, वो, वो, करने वाले हैं वो है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टू फाइंड आउट वट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टू फाइंड आउट वट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइट तो सबसे जरूरी यही है हमारे लिए कि हम ये फाइंड आउट कर लें कि हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है क्या समझ गए तो ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है जनरली हमारे स्टूडेंट बोलते हैं पढ़ने मन नहीं लगता है हर दिन उतनी, उतनी एनर्जी नहीं आ पाती है हर दिन उतनी एनर्जी नहीं आ पाती है एक दिन अगर पाँच घंटे स्टडी कर लेते हैं तो अगले दिन मैम दो घंटे ही पढ़ने का मन नहीं करता और उसके अगले दिन पढ़ने का मन ही नहीं करता ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि मैम पढ़ने का मन नहीं करता है exactly एग्जैक्टली ये हमारे साथ भी कभी होता है कि कभी पढ़ने का मन नहीं करता है तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है तो हम अपने ड्रीम को हम जो चाहते हैं हम दो साल में अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं हम एक साल में अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं हम अपने एम को पेपर में लिखें अपने बारे में थोड़ा लिखें थोड़ा पढ़ें थोड़ा जाने और उसे कहीं पे वॉल पे चिपका के रखें और हर दिन ये सोचें भाई हम चाहते क्या है अपने आप से दुनिया क्या चाहती है हमसे आई डोंट नो हम क्या चाहते हैं अपने आप से मेरे लिए इम्पोर्टेंट क्या है जब ये करना शुरू कर देंगे ना रियली बता रहे फिर वहां पे जो है ना ये वाली चीज़ ख़त्म हो जाएगी कि हमें जो है मतलब कंफ्यूजन होगा कि हाँ भैया हमें पढ़ना है नहीं पढ़ना है स्ट्रेस हो रखा है ये हो रहा है वो हो रहा है सारे बहाने एक साइड हो जाएंगे हाँ ये काम तभी हो पाएगा जब आप ईमानदारी से इस काम को करते हो ये कंडीशन तभी होगा जब ईमानदार रहोगे आप जब ईमानदारी से नहीं करोगे तो फिर वो लिखना भी एक दिन का जुनून होगा एक दिन जुनून में आके लिख दिए भैया हमारा एम ये है एम ये है एम ये है और अगले दिन वो सब हवा हो गया तो ये आपको देखना होगा ये तय आप ही को करना होगा और कोई नहीं आ रहा आपके रास्ते को जो है पूरा करने के लिए आपके ड्रीम को अचीव करने के लिए यू हैव टू स्टार्ट चलिए बात कर लेते हैं टारगेट की यानी आज के डेट की जो है टारगेट क्या क्या है तो हम देखेंगे इंपॉर्टेंट डेज़ के बाद हमने न्यूज़ हाइलाइट्स कवर करनी है एंड उसके बाद एम एंड उसके बाद स्टार्टिंग एम है तो आज बस इतना सा ही है लेकिन इतना सा काफ़ी ज़्यादा सा है चलिए तो हम देख लेते हैं कल के क्वेश्चन की जिसका आंसर ऑप्शन नंबर ए था और ऑप्शन करने वाले हमारे स्टूडेंट थे पंकज कुमार जी निकिता चौहान जी ममता कुमारी जी एंड उसके बाद आशीष सिंह जी राहुल कुमार उपाध्याय जी एंड उसके बाद सुषमा छेत्री रौली अवस्थी ज्योति साहू आयुषी शर्मा खुशबू मंडल वर्षा सिंह इकबाल मान मीनाक्षी जंजारिया वेंटकेश्वर नायक फिजिक्स क्लासेस शरिता शुभम प्रताप सिंह नदीम रागनी कुमारी आस्था श्रीवास्तव सनी यहाँ पे हम देख सकते हैं जैक सनी एंड उसके बाद जो है आ, हमारे सामने लास्ट नेम है वो है अर्नब बेरा जी का तो ये सभी स्टूडेंट ने किया था सही आंसर जिनका नाम मैं मेंशन की हूँ और चलिए डिस्कस कर लेते हैं झटपट से क्या हमारी इंपॉर्टेंट डेट्स तो इंपोर्टेंट डेट्स आई थिंक की सभी को ऑलमोस्ट याद हो गई होगी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल करना क्या है छोटी सी काम दैट इज वॉट यू हैव टू शेयर द लिंक राइट right? तो चलिए हम यहाँ देख लेते हैं एक सेप्टेम्बर यानी कि नेशनल न्यूट्रिशन वीक एक सितंबर नेशनल न्यूट्रिशन डे भी होता है एक से सात वीक होता है पूरा माह पोषण माह पूरा जो महीना है वो पोषण माह के रूप में सेलिब्रेट किया जा रहा है सेप्टेम्बर टू यानी वर्ल्ड कोकोनट डे तीन सितंबर यानी स्काई स्क्रिपर डे पांच सितंबर यानी इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी अगेन पांच सितंबर इंडिया का जो टीचर्स डे एंड उसके बाद सात सितंबर की बात करें हम, सेवन सितंबर तो ब्राज़ीलियन इंडिपेंडेंस डे आठ सितंबर को होता है इंटरनेशनल लिटरेसी डे आठ सितंबर को होता है वर्ल्ड फिजिकल थेरेपी डे नौ सितंबर लेकिन उससे पहले जो है हम यहाँ पे देख लेते हैं नौ सितंबर जो है हिमालयन डेज एंड दस सितंबर की बात करें तो क्या हो गया वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे एंड उसके बाद एलेवन ऑफ सितंबर होता है नेशनल फॉरेस्ट मार्टर्स डे एंड फोर्टीन सेप्टेम्बर वर्ल्ड फर्स्ट एड डे फोर्टीन सेप्टेंबर हिंदी दिवस 15 सितंबर इंजीनियर डे अगेन 15 सितंबर इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी 16 तारीख 16 सितंबर मलेशिया डे 16 सितंबर वर्ल्ड ओजोन डे राइट एंड 17 सितंबर वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल भी से संबंधित है डिस्कस करेंगे 18 सितंबर वर्ल्ड बैम्बू डे यानी कि आज की बात हम कर रहे हैं और 18 सितंबर यानी इंटरनेशनल रेड पांडा डे ओके चलिए अब 19 सितंबर को होगा क्या इंटरनेशनल डे लाइक यहाँ पे देखेंगे इंटरनेशनल टॉक लाइक का पायरेट डे तो ये है इम्पॉर्टेंट डेट्स एंड अगेन हम बात कर लेते हैं यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट हमारा न्यूज़ है वो है किसके बारे में आप देख सकते हो यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है हमारा वो है ए यू क्यू यू एस के बारे में अब ये है क्या अब समझने की जरूरत है ये है क्या देखिए एक न्यू अलायंस क्रिएट हुआ राइट ये एक न्यू अलायंस है मल्टी नेशनल जो है हमारी कंट्री जो है मल्टी कंट्री की और ये तीन कंट्री हैं जो यहाँ पे आ रही हैं एक तो अपना जो है ए फॉर ऑस्ट्रेलिया ए जो है वो क्या है ऑस्ट्रेलिया और यहाँ पे यूके है एंड उसके बाद यहाँ पे अपना यूएस है ये तीनों के तीनों जो है अनाउंस किए हैं फॉर्मली अनाउंस किए हैं एक ट्राई सिक्योरिटी पार्टनरशिप कहाँ पे इंडो पैसिफिक रीजन में तो इंडो पैसिफिक रीजन में ट्राई लेटरल जो है ये सिक्योरिटी पार्टनरशिप है और सबसे बड़ी बात तो ये है इसका मेन उद्देश्य देखो वैसे तो ये सभी मेंबर क्वाड मेंबर भी हैं सभी के सभी क्वाड मेंबर हैं और ये जो नया ये बना है ये नई जो ग्रुप बनी है तीन नेशन की ये भी चाइना को काउंटर करने के लिए बनी है राइट चाइना के बढ़ते हुए कदम को रोकने के लिए बनी है लेकिन इनका जो फर्स्ट मोटो है वो हेल्प करना है ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया को हेल्प करना है किस मैटर में हेल्प करना है एक्वायर न्यूक्लियर बेस्ड न्यूक्लियर बेस्ड कन्वेंसनली आर्म्ड सबमरीन्स तो कन्वेंसनली आर्म सबमरीन्स यानी एस एस एन कैटेगरी में जहाँ पे अभी छह देश आते हैं यानी यूएस यूके है ना उसके बाद है फ्रांस चाइना है और क्या है रसिया है प्लस यहाँ पे हम देखेंगे इंडिया है ठीक है तो ये सभी के सभी जो नेशन हैं वो एस एस एन कैटेगरी के हैं यानी ऐसे नेशन जिनके पास जो है सबमरीन्स है लेकिन कैसी सबमरीन्स हैं जहाँ पे न्यूक्लियर बेस्ड मतलब न्यूक्लियर विपन्न से लेस सम्मन्... जो है सबमरीन्स जिन देशों के पास है वो है छह नेशन अभी इस लिस्ट में ऑस्ट्रेलिया भी क्या हो जाएगा शामिल हो जाएगा अच्छा जब हमने न्यूक्लियर वेपन की बात कर दी है सबमरी में तो हमें ये जानने की बहुत आवश्यकता पड़ेगी कि भारत का नाम हमने लिखा है तो बताइए भारत के पास पहली सबमरीन तो देखिए आई एन एस चक्रा आई जो चक्र है ये रसिया के द्वारा ही हमें हेल्प किया गया था रसिया जब यूएसएसआर हुआ करता था तब रसिया ने हमें जो है आई चक्र प्रदान किया बाद में हमारे पास जो आई अरिहंत है जो कि बिल्कुल स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी यानी बिल्कुल इंडिजनसली डेवलप्ड है वो क्या है हमारा न्यूक्लियर से लेस है यानी ऐसा सबमरीन जहाँ पे न्यूक्लियर वेपन्स है तो ये आपको याद रखना है अच्छा साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है कि ये जो है सभी के सभी क्वैड मेंबर है अभी इसमें भारत इन्वॉल्व नहीं है इस ग्रुप में भारत नहीं है समझ गए इस ग्रुप में जापान भी नहीं है जबकि क्वाड मेंबर की बात करें तो यहाँ पे क्वाड मेंबर में क्या है यूएस है राइट जापान है इंडिया है और क्या है ऑस्ट्रेलिया है अच्छा क्वाड यानी कि क्या क्वारिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग हैविंग यूनाइटेड स्टेट ठीक है जापान ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया इसके मेंबर्स चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़ uh, के बारे में तो नेक्स्ट न्यूज़ हमारा क्या है नेक्स्ट न्यूज़ हमारा बहुत इम्पोर्टेंट है और ये है हमारे जो है देख सकते हैं हम नाइट एंगल अवार्ड से संबंधित तो हमारे राष्ट्रपति जी प्रेसिडेंट को जो है हमारे रामनाथ कोविंद जी इन्होंने अनाउंस किया था क्या अनाउंस किया था नाइट एंगल अवार्ड किसके लिए भाई नर्सिंग पर्सनल के लिए तो हमारी जो इंडियन नर्सिंग काउंसिल है इंडियन नर्सिंग काउंसिल जो कि एक इस बॉडी है यू कैन से स्टैचरी है ना तो ये एक वैधानिक बॉडी है जो कि आती है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेल के अंतर्गत और ये बॉडी जो है अवार्ड देती है नाइटेंगल अवार्ड और वड़ोदरा की एसएसजी हॉस्पिटल की जो नर्स हैं जिन्हें ये अवॉर्ड मिला है हालांकि ये अवॉर्ड पंद्रह तारीख को इन्हें मिल चुका है नाम क्या है यहाँ पे हम देखेंगे भानुमती जो है घीवाला समझ गए और शॉर्टली इन्हें बोलते हैं भानुबेन है ना सिस्टर भानुबेन इन्हें शॉर्टली बोला जाता है एक्चुअली कोविड नाइन्टीन के टाइम में एक मतलब प्रेग्नेंट महिला जो खुद कोविड नाइन्टीन से ग्रसित थी और उन्हें जो है इशू कराने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा और केवल इन्होंने उस महिला की जान बचाई बल्कि बच्चे की भी जान बचाई और बड़ी बहादुरी से इन्होंने इस काम को इजिली तरीके से किया जबकि इनकी खुद की जान भी खतरे में थी राइट बात कर लेते इस अवार्ड के बारे में नाइट एंगल्स जो है फ्लोरेंस नाइट एंगल से आप सभी परिचित होंगे हम सभी परिचित हैं लेकिन चलिए थोड़ा और डिस्कस कर लेते हैं इनके बारे में नाइट एंगल फ्लोरेंस नाइट एंगल जिन्हें द लेडी विद लैम्प भी कहा जाता है दी लेडी विद लैम्प भी कहा जाता है बिकॉज इनके ऊपर एक मूवी बनाई गई थी है ना जिसका टाइटल था लेडी विद द लैम्प तो इनका नाम लेडी विद द लैम्प भी है बारह मई अठारह से, से तेरह अगस्त 1910 तक इनका जीवन कार्यकाल रहता है और हम बात कर लेते हैं इन्हीं के बर्थडे पे है ना इन्हीं के बर्थडे यानी 12 मई को हम जो है सेलिब्रेट करते हैं क्या इंटरनेशनल नर्स डे राइट क्योंकि इनके योगदान जो है बहुत ज़्यादा है किसमें इनके योगदान देखी जाती बहुत ज़्यादा योगदान इनका देखा जाता है किसमें तो नर्सिंग के क्षेत्र में राइट चलिए बात करते है, ने हैं नेक्स्ट यहाँ पे हम नेक्स्ट हमारा न्यूज़ है किस संबंधित है तो हम यहाँ पे देखते हैं हमारे जो यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है ना वहाँ के जो एलटीजी गवर्नर हैं एलटीजी गवर्नर आपको दिख रहा है कौन है तो एलटीजी गवर्नर हमारे मनोज सिन्हा जी राइट तो एलटीजी गवर्नर हमारे मनोज सिन्हा जी इन्होंने चेयर किया एक मीटिंग और ये मीटिंग थी श्री माता वैष्णो देवी सीरीन बोर्ड की है ना जिसमें इन्होंने रिलीज किया है ट्वेंटी ग्राम का जो है सिल्वर कॉइन है ना तो ट्वेंटी ग्राम का जो है सिल्वर कॉइन यानी चांदी का सिक्का जो है इन्होंने आ, जो है रिलीज किया है इस बोर्ड के लिए और ये जो है बकायदा सिक्सटी एट मीटिंग थी इस वैष्णो देवी हम कह सकते हैं शिरीन बोर्ड की और ये मीटिंग कंडक्ट कहाँ पे हुई तो ये मीटिंग जो है ये कंडक्ट हुई राजभवन जम्मू एंड कश्मीर के राजभवन में चलिए बात करते हैं नेक्स्ट यहाँ पे नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा क्यू से संबंधित यानी क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया से संबंधित अब अभी क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया से संबंधित क्या आर्टिकल है तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि ये जो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया है इन्होंने वर्चुअली यानी जो है वर्चुअल माध्यम से जो है गवर्नमेंट यहाँ हम देख सकते हैं माध्यम से सरकार और उद्योग जगत के प्रतिष्ठित जो व्यक्ति हैं है ना प्रोफेसर हम देख सकते हैं यहाँ पे एक्सक्यूज <coughs> मी एस के जोशी लेबोरेटरी एक्सेलेंस अवार्ड जो है दिया गया है तो हम यहाँ पे देख सकते हैं क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा जो है प्रोफेसर एस के जोशी लेबोरेटरी एक्सेलेंस अवार्ड जो है वर्चुअली माध्यम से दिया गया है अब सबसे बड़ी बात आती है अवार्ड तो ठीक है लेकिन सबसे बड़ी बात है क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया है क्या राइट right? <coughs> तो हम यहाँ पे देखेंगे क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया जिसकी स्थापना कब हुई 1997 में हुई और ये किसके द्वारा हुई तो देखिए तीन बॉडी एक तो आ गई एसओच है ना जो एसओच है हमारी आप बताइए का क्या है जल्दी से बताइए सी चार बताइएम क्या है तो आई प्लस, प्लस जो है हमारी वो है फेडरेशन है ना तो फेडरेशन की बात कर लेते हैं फेडरेशन ऑफ जो है इंडियन फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ठीक है तो इनके द्वारा जो है हम देख सकते हैं फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स सी और एस इन तीनों के मिलने से जो है इन तीनों के कहने से इन तीनों के कोलाब्रेशन से जो है क्वालिटी काउंसिल की स्थापना हुई जब हम क्वालिटी काउंसिल की बात कर रहे हैं तो हम एस की बात कर रहे हैं एस में अभी आपने किसी ने बताया नहीं भाई किसी ने नहीं बताया तो एस इज़ वाट आपको याद रखना एसोसिएशन ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है ना इंडियन इंडस्ट्री याद रखना है आपको चलिए और सी तो right? बात करते हैं नेक्स्ट तो नेक्स्ट हमारा क्या है यूनियन मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर यानी मनसुख मांडविया जी ने इनोग्रेट किया है क्या इनोग्रेट किया है बहुत सारे पेशेंट सेंट्रिक फैसिलिटी ठीक है कहाँ पे तो हम देख सकते हैं दिल्ली के जो है सफदर जंग हॉस्पिटल में इन्होंने बहुत सारे जो है हम कह सकते हैं वेलफेयर स्कीम को इनोग्रेट किया वेलफेयर चीज़ों को इनोग्रेट किया तो देखिए कल अगर हम बात करें जो है पेशेंट सेफ्टी डे पेशेंट सेफ्टी डे की बात हम करें तो पेशेंट सेफ्टी डे हम कब मनाते हैं सोलह तारीख या सत्रह तारीख जल्दी से मुझे बताइए अभी हमने रिवीजन किया है तो देखिए पेशेंट सेफ्टी डे के दिन इनके द्वारा ये सब सारी चीज़ें हॉस्पिटल में इनोग्रेट की गई जैसे यहाँ पे एल्डर एब्यूज है ना एल्डर एब्यूज केयर सेंटर ये बनाया गया साथ ही साथ जो है एक बुकलेट रिलीज़ किया गया किताब बुकलेट रिलीज़ किया गया जो कि बात की गई थी किसकी उसमें उसमें बात की गई थी <coughs> क्वालिटी की तो बुकलेट का नाम ही था क्वालिटी की बात राइट तो क्वालिटी की बात बुकलेट रिलीज की गई एल्डर्स के लिए केयर एब्यूज मतलब एब्यूज केयर सेंटर बनाया गया और बहुत सारी चीज़ें जो हॉस्पिटल में होनी चाहिए जैसे ऑक्सीजन प्लांट वगैरह वगैरह ये सब चीज़ों पर बहुत ध्यान दिया गया चलिए बात करते हैं नेक्स्ट तो हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पे किसके बारे में तो हम यहाँ पे देखने वाले हैं नेक्स्ट हमारा जो है पी से संबंधित न्यूज है अब ये पी से संबंधित चलिए बहुत बढ़िया चैट में बता दिए आप लोग कि आ, क्या है फुल फॉर्म बहुत बढ़िया सही है तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट जो हमारा न्यूज है वो है किससे संबंधित तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे हमारी जो न्यूज़ है वो पी एफ सी से संबंधित है यानी पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड से संबंधित है कॉरपोरेशन लिमिटेड से संबंधित है और इसमें है क्या कि ये जो है एन के तौर पे है ना लीडिंग एन बी एफ इन अ पावर सेक्टर हैज सक्सेसफुली इशूड इट्स जो है आप देख सकते हो मेडियन यूरो हंड्रेड मिलियन सेवर सेवन ईयर यूरो बॉन्ड जो है इशुंस मतलब मतलब क्या है तो मतलब ये है कि जो हमारी पी एफ सीज है ना है ना समझ गए तो हमारी जो पी एफ सीज है वो जो है पावर सेक्टर की एन बी एफ सीज पावर सेक्टर की ये एन बी एफ सीज यानी एन बी एफ मतलब क्या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी समझ गए इनके द्वारा जो है ग्रीन बॉन्ड याद रखिएगा जो है ना ग्रीन बॉन्ड जो है ये रिलीज किया जा रहा है पहली बार ग्रीन बॉन्ड रिलीज किया जा रहा है जिसकी वर्थ तो 300 यूरो है तो पहली बार यूरो में है ना यूरो में जो है ग्रीन बॉन्ड रिलीज किया गया है इनके द्वारा और ये एक एन बॉडी है है ना ये एक एन है याद रखेंगे अब समस्या ये है कि पहली बार ये रिलीज किया गया तो क्यों रिलीज किया गया ग्रीन बॉन्ड है तो ऑब्वियस ही बात है हम बात कर रहे हैं किसके बारे में हम बात कर रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में ऐसी एनर्जी ऐसी ऊर्जा जो ग्रीन सोर्स से प्राप्त हो राइट तो ग्रीन बॉन्ड रिलीज किया गया है जिसका टाइम पीरियड वो सेवन ईयर दिया गया है और मनी वर्थ भी दिया गया है थ्री हंड्रेड मिलियन राइट तो अब आपके दिमाग में ऐसा प्रश्न आ सकता है कि क्या ये जो बॉन्ड है ये ग्रीन बॉन्ड है तो क्या यूरो में बॉन्ड जो है हमारी एन के द्वारा या हमारी बैंक के द्वारा कभी किया गया है या नहीं तो देखिए ये पहली बार नहीं है यूरो में हमने जो है यूरोपियन करेंसी में बॉन्ड हमने पहली बार नहीं रिलीज़ किया दो में भी हमने ये काम किया है अच्छा क्या हमारी बॉन्ड जो है कोई ऐसी हमारी बॉन्ड है जो इंटरनेशनल मार्केट में चलती है जिसे लोग खरीद मतलब जिसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है तो बिल्कुल आपको याद होगा मसाला बॉन्ड मसाला बॉन्ड का नाम सुना होगा तो मसाला बॉन्ड जो है वो इंडिया का बॉन्ड है जो इंटरनेशनल मार्केट में जो है जिसकी ट्रेडिंग होती है चलिए बात करते हैं नेक्स्ट यहाँ पे हम तो नेक्स्ट हमारा किसे संबंधित न्यूज़ है तो नेक्स्ट न्यूज़ जो है हमारा वो है हम देख सकते हैं यहाँ पे Uh, uh, आपकी जो है न्यूज़ है ये है अच्छा एक चीज़ मुझे जो है यहाँ पे एक चीज़ आप समझिए एक चीज़ जो है वो डिस्कस करना इम्पोर्टेंट है यहाँ पे इस आर्टिकल में एक चीज़ हमारी मिसिंग हो गई वो ये है कि अगर आपसे पूछ दिया जाए एग्ज़ाम में कि पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन की स्थापना कब हुई तो क्या बोलोगे है ना ये इंपॉर्टेंट है तो 1986 में जो है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन की स्थापना हुई थी याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हेडक्वार्टर बिल्कुल दिमाग में रखना है न्यू दिल्ली राइट और चेयरपर्सन फिलहाल में तो आर एस जो है ढिलोन है लेकिन चेयरपर्सन तो जब आप एग्जाम देने जाओगे मे बी चेंज हो सकते एक बार देख के जरूर जाना चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल के बारे में तो इंडियन साइंटिस्ट हैव है न्यू जो है सस्टेनेबल एंड अफोर्डेबल सोल्यूशन फॉर कन्वर्टिंग है ना तो अब किसके लिए भाई तो हम देख सकते हैं जो कैरेटीन होता है कैरेटीन वेस्ट कैरेटीन से दिमाग में आपकी जो है वो आ गई होंगी कुछ कि भैया हाँ बात किसकी हो रही है तो कैरेटीन बेस्ड जैसे कैरेटीन वेस्ट जो आ, मतलब हम कह सकते हैं बेकार की वस्तुएं होती हैं है ना खराब चीजें जो होती हैं सच एज ह्यूमन हेयर है ना हेयर फॉल वाला जब तो उसका क्या करेंगे लेकिन वो तो कैरेटीन वाला है ना अब जो उल है या फिर जो है और भी जो पोल्ट्री फॉर्म्स में जो भी चीज़ें गैदर होती हैं जिनमें कैरेटीन पाया जाता है ठीक है या फिर किसी भी तरह के एनिमल्स के फीड से किसी भी तरह के पेट से किसी भी तरह के एनिमल के फीड से जो भी हमें कैरेटीन वाला चीज प्राप्त होता है उसे जो है सरकार जो है मतलब तो हमारी जो इंडियन साइंटिफिक विंग्स हैं ये नई चीज़ें डेवलप करने वाली हैं नई चीज़ें क्या डेवलप करने वाली हैं भैया अब जो कैरेटीन बेस्ड चीज़ है अब जैसे मान लीजिए हेयर है तो हेयर से जो कुछ भी बन पाए है ना साइंटिफिकली जो भी रिसाइकलिंग करके जो कुछ भी बन पाए वो बनाने की बात की गई है चलिए अभी बहुत सारे न्यूज़ जो है साइंस बेस्ड है बहुत सारे न्यूज जो है साइंस बेस्ड है हैं। ये देखेंगे अभी यहाँ पे ये समझिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पहली बार हुआ है इंडिया में हाई क्वालिटी ट्रांसपेरेंट ध्यान से सुनिएगा हाई क्वालिटी ट्रांसपेरेंट सेरेमिक डेवलप किया गया पहली बार इंडिया में अब ये आपको समझ में नहीं आ रहा कि ये है क्या देखिए, ये आपको ग्लास दिख रहा है ये इस तरह का इस तरह की जो ग्लास है इससे आप क्या कर रहे हो आप यहाँ पे देख पा रहे हो ये जो खिड़की है यहाँ जो विंडो दिखाई दे रहा है इसे देखने की कोशिश की जा रही है तो ये ऐसा जो ये ग्लास डेवलप किया गया है ना इसी की बात कर रहे हैं इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं ये सेरेमिक मटेरियल बोल रहे हैं ये इंडिया में डेवलप किया गया पहली बार इतना ट्रांसपेरेंट जिसकी ट्रांसपेरेंट क्वालिटी विजुअल क्वालिटी जो है देख सकते हैं हम यहाँ पे सेवेंटी है ना टू एट्टी जो है हम देख सकते सेवेंटी फाइव परसेंट विजुअल क्वालिटी नॉर्मल लाइट में जबकि इंफ्रा रेड रेंज में अस्सी परसेंट विजुअलिटी देता है मतलब किसी भी तरह के लाइट में किसी भी तरह के प्रकाश में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं और इसकी जो विजुअलिटी है वो खराब नहीं होगी सेकेंडली आप देख सकते हो यहाँ पे एक और यहाँ पे दिखाया गया कि कैसे ग्लास लेकर के देखा जा रहा है तो किस तरह से जो है आप देख सकते हो यहाँ पे फाइन एकदम से एकदम फाइन चीज को देखा जा सकता है अब इसकी यूज कहाँ पे होती है सबसे इंपॉर्टेंट है थर्मल इमेजिंग में थर्मल इमेजिंग एप्लीकेशन में इसकी यूज होती है अब ऐसे बहुत ज्यादा टेम्परेचर रहता है ना बहुत ज्यादा हीट रहता है राइट आप खुद ही कल्पना करो बहुत ज्यादा हीट है किसी भी जगह में इंडस्ट्री में और आपको अंदर के मटेरियल का स्टेटस देखना है तो क्या आप देख पाते हो नहीं देख पाते हो तो कुछ ऐसा ग्लासी माध्यम कुछ ऐसा जो है मतलब ऐसा कुछ इक्विपमेंट जिससे आप देख पाओ जिससे हीटिंग हो मतलब जैसे मान ली कि वह परेशान हो रहा है भाप उठ रहा है या कुछ भी और तरह की एकदम हीटिंग हो रही है आप देख नहीं सकते हो ग्लास फूट सकता है ब्रेक हो सकता है इवन आपके आईज को भी नुकसान हो सकता है तो बहुत सारी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए थर्मल इमेजिंग लेने के लिए इस ग्लास का प्रयोग किया जा सकता है हीट होने के बावजूद भी इनसाइड मटेरियल का इन डेफ्थ प्राप्त हो सकता है तो ये होता है थर्मल इमेजिंग तो थर्मल इमेजिंग एप्लीकेशन में इसका यूज हो सकता है साथ ही साथ जो है हम देख सकते हैं और अधिक पर्सनल प्रोटेक्शन सिस्टम में इसका यूज़ हो सकता है जैसे लाइक like, हेलमेट में इसका यूज हो सकता है फेस शील्ड बनाने में गूगल जो है गूगल से बनाने में चश्मे में ठीक है ये सब में इसका प्रयोग प्रयोग हो सकता है और यहाँ पे मैं बता ही चुकी हूँ कि चूंकि ये सेरेमिक्स से बना है कोलाइडल सोल्यूशन से बना है तो हम देखेंगे यूवी यानी अल्ट्रा वायोलेट रेंज और इंफ्रा रेंज या फिर फ्रीकवेंसी रेडियो फ्रिक्वेंसी ये सभी के सभी जगह में ये क्या है एप्लीकेबल है कोई दिक्कत नहीं है चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट अगेन साइंस से संबंधित अभी देखिए रेयर डिस्कवरी हुई है क्या रेयर डिस्कवरी हुई है न्यू स्पेसिस ऑफ आप देख सकते हो हाइबोडंट जो है एक सार्क है सार्क की प्रजाति है जो कि जुरेसिक टाइम पीरियड में जुरेसिक टाइम पीरियड मतलब पैंसठ सौ मिलियन ईयर एगो वाला जो टाइम पीरियड है उसे जुरेसिक टाइम पीरियड कहते हैं उस टाइम की मत, जो है सार्क की जो है तिथ प्राप्त हुई है दांत प्राप्त हुआ है कहाँ पे राजस्थान के जैसलमेर वाले क्षेत्र में अब ये इंपॉर्टेंट है हालांकि ये जो ग्रुप है ये सार्क के ये अब उपलब्ध नहीं है ये नहीं पाई जाती राइट और यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो ये जूरेसिक टाइम बताए ना ध्यान में रखना है जूरेसिक का ये लिमिट होता है पैंसठ मिलियन ईयर एगो ये जुरेसिक टाइम पीरियड होता है सेकेंडली क्या ये पहली बार हुआ है तो नहीं एशिया में ये तीसरा केस है एशिया कॉन्टिनेंट में इस फिश का सार्क का जुरैसिक टाइम वाली सार्क का ये तीसरा केस है जापान में भी ऐसी चीजें कवर हुई और थाईलैंड में भी कवर हुई और अभी हम देख रहे हैं इंडिया में कवर हुई चलिए बात करते हैं नेक्स्ट तो नेक्स्ट जो आर्टिकल है बहुत ही सिंपल सा है तो हम देखेंगे हमारे जो रिसर्चर्स एंड डेवलप्ड जो है हमारी टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन एनर्जी एफिशिएंट वॉलिंग एनर्जी एफिशिएंट एनर्जी एफिशिएंट वॉलिंग मटेरियल काउिंग कंस्ट्रक्शन एंड जो है हम दे सकते हैं डिमोलिशन सी एंड डी इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्शन एंड डीमोलिटेशन जो है डिमोलिशन वेस्ट एंड अल्कलाई एक्टिवेटेड जो है हम देख सकते हैं बिंडर्स तो यहाँ पे आप समझिए बात क्या की जा रही है हमारी ये देखो ये जो ब्लैक वाला ब्रिक्स है ना ब्लैक वाला ब्रिक्स ब्लैक वाला ईटा देखो दो तीन चीज़ें हैं एक तो ये ब्लैक वाला जो ब्रिक्स है इसका प्रयोग घर बनाने में किया जाता है वॉलिंग बनाने में किया जाता है जो एनर्जी एफिशिएंट होता है मैंने एनर्जी को जो है कंज्यूम नहीं करता क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाने में बहुत ज़्यादा जो है आ, मतलब दिक्कत परेशानी हमारे कंस्ट्रक्शन हम इतने कंक्रीट कंस्ट्रक्शन करते हैं और उसमें ऐसा कलर लगाते हैं जो कि सनलाइट को या ग्लोबल वार्मिंग को हीटिंग को वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और घर बहुत गर्म होता है एनर्जी बहुत कंज्यूम करता है तो जब बी जैसी संस्था यानी जो बिल्डिंग की रेटिंग देती है ऐसी संस्था जब ऐसी बिल्डिंग को देखती है तो सिरे से खारिज कर देती है कि भैया ये क्या कर रहे हो ऐसा घर होता है जिसमें इतना ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम हो राइट right. तो ऐसी बिल्डिंग्स वगैरह कंस्ट्रक्शन वगैरह जहाँ पे एनर्जी कम कंज्यूम हो हीटिंग कम कंज्यूम हो और सो दैट कि जो जो चीज़ आप यूज़ करते हो घर में एनर्जी कूलिंग करने के लिए जैसे आप एसी वगैरह का प्रयोग कर रहे हो उसकी प्रयोग करने की ज़रूरत ना पड़े लाइटिंग के लिए आपको दिन में भी लाइट जलाना पड़ रहा है ऐसा कंस्ट्रक्शन ना हो

लेकिन अभी इस चीज़ को दूर करने के लिए जो है ये सी एन डी वर्क इस पर चल रहा है और ये अब पहले के कंपेरिजन में सही है एनर्जी एफिशिएंट है बस ये आर्टिकल है नेक्स्ट बात कर लेते हैं थोड़ी सी खाने पीने वाली तो खाने पीने वाली बात हम कर लेते हैं कहाँ से ये है तो ये वेस्ट बंगाल से संबंधित ये डिश है देखेंगे यहाँ पे तो हमारी जो पोस्ट इंडिया इन्होंने कोलाब्रेट किया है किसके साथ कोलाब्रेशन किया है एपिडा के साथ एपिडा यानी एग्रीकल्चरल एंड जो है हम देख सकते हैं प्रोसीड फूड प्रोडक्शन एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी तो एपिडा के साथ हमारी जो पोस्ट इंडिया है इन्होंने एक ना इनवेलव इनवेलव जो है इन्होंने मैंने हम कह सकते हैं लॉन्च किया है जिसपे ये वाली मिठाई ये वाली डिस्क का फिगर है अब ये वाले डिस्क का नाम क्या है इसका नाम है जॉय नगर मोआ राइट right. तो वेस्ट बंगाल से है ये जो नगर मोआ पहली बार जो है आशुतोष दास के द्वारा 1904 में जो है बिल्कुल परंपरागत एकदम देसी वाला घी एंड देसी वाला गुड़ एंड वगैरह वगैरह चीज से मिला करके इसे बनाया गया पहली बार 1904 में उस समय से ये फेमस है फिलहाल में हम बात करें तो बहुत सारे पार्ट में इंडिया के बंगाल में उड़ीसा में ये पा, पाया जाता है लेकिन जीआई टैग इसे प्राप्त है वेस्ट बंगाल के नाम पे यानी ये वेस्ट बंगाल का डिश है जॉय नगर मोआ है ना? ना आप देख सकते हो निर्म, निर्मंकरी सोसाइटी तो निर्मंकरी सोसाइटी के नाम पे जॉय नगर मोआ 2015 में ये जीआई टैग प्राप्त है न्यूज में क्यों रहा क्योंकि भाई पोस्ट इंडिया के द्वारा और एपिडा के दोनों के द्वारा मिलकर के क्या किया गया इन्वॉल्व इनवेलप पे डिजाइन की गई इनवेलप पे प्रिंट आई है इसकी इसीलिए न्यूज में रहा चलिए बात करते हैं नेक्स्ट यहाँ पे तो हमारे क्रिकेट से संबंधित न्यूज यानी हमारे विराट कोहली जी ने अनाउंस कर दिया है क्या अनाउंस किया कि इस बार टी ट्वेंटी खेल ले रहे हैं कप्तान बन के अगले बार से नहीं खेलेंगे हाँ <laughs> तो जी हाँ बिल्कुल टी ट्वेंटी इस बार इन्होंने कप्तानी कर लेनी है ये यू ए वाला जो हमारा अभी चलने वाला है लेकिन इसके बाद से जो है वो टी ट्वेंटी के कप्तान नहीं रहेंगे हाँ जो सिंगल डे का मैच होता है वन डेज का मैच होता है या जो भी मैचेस होती हैं, टी को छोड़ के उसकी कप्तानी ये स्योरली करेंगे चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट हम यहाँ पे तो सी है ना तो हम देख सकते हैं कि इस पार्टी के त्रिपुरा के स्टेट सेक्रेटरी और बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध जर्नलिस्ट रहे गौतम दास जी इनकी मृत्यु हो चुकी है ये सत्तर वर्ष के थे ठीक और यह है आपका करंट अफेयर एमसीक्यू तो जल्दी जल्दी से यहाँ पे आंसर करना शुरू कीजिए क्वेश्चन नंबर क्या है ऑफ द फॉलोइंग हैज आप देख सकते हो जो है प्लेनेटेरियम इनोवेशन चैलेंज फॉर इंडियन स्टार्टअप एंड टेक एंटरप्रनर्स तो आंसर क्या होगा यहाँ पे जल्दी जल्दी बताइए फटफट से आंसर करना है हमें <coughs> देखिए पहला क्वेश्चन जो है हमारा हमको याद रखना है फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात कर रहे हैं तो माय गवर्नमेंट है ना पहला जो ऑप्शन में माय गवर्नमेंट दिख रहा है यही आंसर होगा तो माय गवर्नमेंट जो है माय गवर्नमेंट जो है इन्होंने लॉन्च किया है आपकी क्या प्लेनेटेरियम इनोवेशन चैलेंज फॉर इंडिया स्टार्टअप है ना एंड टेक इंटरप्रिनर्स ठीक है जिसका एम क्या है ब्रिंग टूगेदर द टैक फॉर्म्स है ना जितने भी टेक्नोलॉजी वाले टेक्नोलॉजी बेस्ड जो फॉर्म्स हैं उनको एक साथ लाना है ठीक है और पोटेंशियल बिल्डिंग करनी है कैसी पोटेंशियल बिल्डिंग करनी है बाय इंडिजिनस पूरी तरह से भारतीय भारतीय वाले भारतीय के जो सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं जो टेक्नोलॉजी वाली कंपनी है उनका एक समूह एक गठन के तौर पर मैंने एक संगठन के तौर पर जो है य, ये उभरे ठीक है चलिए अब बात करते हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट सेकेंड नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो पूछा जा रहा है आरबीआई फाइनेंस डिपार्टमेंट कंडक्टेड ट्रेनिंग वर्कशॉप ऑन ई कुबेर पेमेंट सिस्टम इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट तो ई e कुबेर एक तो इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे अपने आप आ गया लेकिन दूसरा क्वेश्चन क्या है वो हम देखते हैं कि आर की फाइनेंस डिपार्टमेंट जो है वो ट्रेनिंग दे रही है है ना वर्कशॉप ट्रेनिंग दे रही है ई e कुबेर की कहाँ पे मध्य प्रदेश में वेस्ट बंगाल में जम्मू में या फिर हमारी जो है महाराष्ट्र में तो आपको याद रखना है क्या ई इकुबेर की ट्रेनिंग जो है हमारे केंद्र शासित प्रदेश है ना फिलहाल तो केंद्र शासित प्रदेश ना तो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एंड कश्मीर में जो है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा यानी हमारी जो आरबीआई है है ना तो आर के द्वारा और साथ ही साथ हम देखेंगे क्या कोलाब्रेशन है किनका डायरेक्टर जनरल ऑफ अकाउंट का फाइनेंस डिपार्टमेंट का राइट तो इनके द्वारा कुबेर जो है ट्रेनिंग दी जा रही है हमारे जम्मू एंड कश्मीर में अब समस्या आ गई ई कुबेर की तो ई कुबेर क्या है तो देखिए ई कुबेर जो है ना वो एक क्या है एक पोर्टल है समझ गया? एक जो है पोर्टल है जो कि प्रोवाइड करता है कोर बैंकिंग सॉल्यूशन तो ठीक है तो कोर बैंकिंग सॉल्यूशन ये प्रोवाइड करता है ये आपको याद रखना है ये कब से चल रहा है तो 2012 में ही स्टार्ट हुआ था कोर बैंकिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करता है सेकेंडली ये वन स्टॉप है ना वन स्टॉप शॉप फॉर फाइनेंस है सभी के सभी जो आर आर बीज हैं आर आर बीज यानी रीजनल रूरल बैंक तो सभी के सभी आर आर बीज की जो ब्रांचेज हैं वो इकूबेर से जुड़ी हुई है ताकि जो है आराम से पैसे का ट्रांजेक्शन रियल टाइम मैनर में झटपट से हो जाए राइट चलिए बात करते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन की पूछा गया है ऑफ द फॉलोइंग हैज लॉन्च जो है रेल कौशल विकास योजना तो रेल कौशल विकास योजना किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? है ना आपको बताना है यहाँ पे ऑप्शन नंबर वन जो है आप देख सकते हो बताया गया है बॉम बॉर्डियर जो है ट्रांसपोर्टेशन रेलवे रेल, रेल पुलिस स्टेशन इंटीग्रल कोच फैक्ट्री और यूपी गवर्नमेंट तो क्या हो जाएगा यहाँ पे तीन नंबर की बात कर रहे हैं तो सिंपल सी बात है सिंपल सी बात है सभी का आंसर दो होगा है ना क्योंकि नाम में ही जो छुपा है रेलवे तो रेलवे ने लॉन्च किया है रेल विकास जो है कौशल विकास योजना ये एक प्रोग्राम है जो आता है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत ध्यान रखिएगा ये जो है आता है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत जिसमें इंपावर करने की बात की गई है यूथ को युवाओं को इंपावर करने की इंपावरमेंट करने की बात की गई है बहुत सारे लेवल हर लेवल के मैंने इंट्री लेवल ट्रेनिंग इन इंडस्ट्री एंड रिलेवेंट स्किल थ्रो रेलवे है ना और ये हो रहा है आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष में ठीक है चलिए बात करते हैं नेक्स्ट यानी चार नंबर क्वेश्चन की पूछा जा रहा फोर्टी फाइव पैतालीसवे नंबर की जो मीटिंग है जीएसटी काउंसिल की वो कहां पे हुई सवाल ये पूछा जा रहा है तो सिंपल सी बात हो जाएगा आपका आंसर क्या हो जाएगा पहली बात तो समझिए कि जब भी जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होती है तो इसे चेयर किसके द्वारा किया जाता है तो चेयर हमेशा याद रखिएगा हमारी फाइनेंस मिनिस्टर यानी निर्मला सीतारमन के द्वारा किया जाएगा और साथ ही साथ जो है अदर स्टेट जितने भी हमारे स्टेट है वो सभी के सभी क्या करेंगे पार्टिसिपेट करेंगे अच्छा आपको कभी कोई आइडिया है कि जीएसटी काउंसिल के द्वारा जो भी चीजें होती हैं ये कैसे होती है तो ये वोटिंग सिस्टम से होती, बिल्कुल वोटिंग होती है, वोटिंग जो है वो दो भाग में डिवाइडेड है।, है पावर होता है फिलहाल इसका आंसर क्या हो जाएगा लखनऊ हो जाएगा याद रखिएगा चलिए अब मुझे ये बता दीजिए चैट में कि जी हमारे यहाँ कौन से संविधान संशोधन करके आया था जी काउंसिल हमारे यहाँ किस कितने नंबर के संविधान संशोधन से सेटअप की गई है चलिए पांच नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे तो पांच नंबर क्वेश्चन हमारा है, ऑफ़ कंपनी हैज़ लॉन्च माई बैक एंड एप बेस्ड साइकिल सर्विसेज़ क्वेश्चन ये है कि माई बाइक जो है एप के थ्रू साइकिल शेयरिंग सर्विसेज़ किनके द्वारा जो है ये लॉन्च किया गया है तो ऑप्शन है आप देख सकते हैं उबर ओला है ना रैपिडो फ्लिपकार्ट और इन्फो पार्क तो क्या हो जाएगा आंसर पांच नंबर की बात करते हैं तो आपको ये चीज याद रखनी है कि ये जो है ये जो है मतलब माय uh, बैग जो है वो इंकरेज करने के लिए एक जो है एफर्ट्स लगाया जा रहा है इंकरेज करने के लिए क्या भाई तो सस्टेनेबल एंड पॉल्यूशन फ्री है ना सस्टेनेबल सस्टेनेबल एंड पॉल्यूशन फ्री जो है वो हमारा ट्रांसपोर्टेशन हो इसके लिए ये इनिशिएटिव है माई बैग जो कि हमारे हम देख सकते हैं ऑप्शन नंबर वन यानी इन्फो पार्क के द्वारा जो है क्या किया गया है लॉन्च किया जा रहा है वैसे आपको हम बताएं माई बैग एक्चुअली में क्या है? पता है आपको माई बैग जो है वो एक ना Uh, मतलब कि रेटिंग uh, संस्था है रेटिंग है समझ गए यानी स्टेशन बेस्ड जो है साइकिल शेयरिंग रेटिंग कंपनी है ये माई बैग समझ गए याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करें हम यहाँ पे छह नंबर की तो सिक्स नंबर क्या है हु एमोंग हैज प्रेजेंटेड कौशलाचार्य अवार्ड है ना तो आप देख सकते हो कौशलाचार्य अवार्ड 2021 41 ट्रेनिंग ट्रेनर्स को दिया जा रहा है तो आंसर क्या हो जाएगा देखिए आपको याद रखना है हमारे जो धर्मेंद्र प्रधान जी हैं यानी हमारे यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर यानी हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी इन्होंने वर्चुअली माध्यम से दो के लिए हमारे जो यहाँ पे हम देखेंगे स्किल जो प्राप्त किए हुए हमारे जो ट्रेनर्स हैं उन्हें ये अवॉर्ड दिया जा रहा है तो ये भी जो है आपको याद रखना है किस लिए भाई प्रधानमंत्री कौशल विकास है ना तो कौशल विकास योजना के तहत ये अवॉर्ड प्रदान किया जा रहा है एकदम इम्पोर्टेंट है ये भी याद रखिएगा आंसर तो ऑप्शन नंबर वन यानी धर्मेंद्र प्रधान हो जाएगा सात नंबर की बात करें अब ये आप लोग मुझे बताओगे वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे जो है ये हम कब सेलिब्रेट करते हैं 18, 17, 16, 15, 14 इसका आंसर आप लोग मुझे बताइएगा चलिए आंसर यहाँ पे ओके okay. हम्म चलिए तो सत्रह नंबर सात नंबर क्वेश्चन की हम लोग बात करें यहाँ पे तो आपको याद रखना है कि वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे जो है सेवेंटीन सेप्टेंबर को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं और इस बार की थीम क्या थी ये भी आपको याद रखना है मैं थीम अभी बता रही हूँ थीम याद रखिएगा और थीम क्या है हमारी वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे की जो है वो थीम है सेफ्टी इन जो है मेटरनल एंड न्यू केयर तो याद रखना है आपको जो है थीम है वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे इज सेफ्टी इन Internal and newborn care. तो ये आपको याद रखना है तो तो B, बात करते, की, थोड़ा सा बल्कि है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है विच ऑफ launched हैज लॉन्च small कॉल्ड Spin तो Spin जो है किन के द्वारा लॉन्च किया गया है स्पिन का पूरा नाम बताया गया यहाँ पे स्ट्रेंदनिंग द पोटेंशियल ऑफ इंडिया स्पिन का फुल फॉर्म है स्ट्रेंदिंग द पोटेंशियल ऑफ इंडिया एंड सेट अप एज अ आप देख सकते हो यहाँ पे क्या है पोट्री क्लस्टर अंडर स्फूर्ति स्कीम इन वाराणसी तो क्वेश्चन में ही बहुत सारे आंसर छुपे हुए हैं है ना इससे इस क्वेश्चन से ही दो तीन एमसीक्यू तो हमारा बन ही सकता है तो ये मेरी उद्देश्य भी यही होती है कि जो हम न्यूज़ डिस्कस करें वो हम न्यूज़ डिस्कस कर लें वहां से कुछ एमसीक्यू हमारे बन जाएँ जो हम न्यूज़ को नहीं डिस्कस कर पाए तो उसे हम एमसीक्यू में कर लें वहां से कुछ एमसीक्यू बन जाएँ समझ गए तो ये हमारे आ, हमारा उद्देश्य यही होता है तो अभी आपको स्पिन का फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए स्फूर्ति भी पता होना चाहिए वाराणसी जगह आ गया ये भी पूछा जा सकता है समझ गए अभी फ़िलहाल इसका आंसर क्या हो जाएगा तो इसका आंसर जो हो जाएगा हमारी जो है खादी एंड विलेज इंडस्ट्री <coughs> तो खादी एंड विलेज इंडस्ट्री के द्वारा स्पिन जो है वो लॉन्च किया गया तो हमारे प्रधानमंत्री जी के बर्थडे पे हमारी केवीआईसी के द्वारा यानी खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन के द्वारा ये लॉन्च किया गया स्पिन याद रखिएगा और ये जो है इसके तहत एक 1100 एक 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 जो लोग हैं उनको जो है क्या मिलेगा हेल्प मिल जाएगा और अगर हम बात करें यहां पे तो जो है कम्युनिटी सेवा दिवस है ना कम्युनिटी सेवा दिवस जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है है ना पूरे भारत को सशक्त बनाने के लिए कम्युनिटी सेवा दिवस सत्रह तारीख को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं और इसके आधार पे हमारी जो खादी एंड विलेज इंडस्ट्री है इन्होंने स्पिन कार्यक्रम लॉन्च किया यहाँ पे एक और चीज़ छुपी हुई स्फूर्ति अभी स्फूर्ति क्या है इसे भी देखते हुए चलते हैं तो स्फूर्ति का मतलब है स्कीम याद रखिए फुल फॉर्म याद रखिएगा स्कीम ऑफ फंड फॉर जो है री स्कीम ऑफ फंड फॉर री है ना ऑफ जो है आपको याद रखना है यहाँ पे अ हमारे जो है ट्रांसफॉर्मेशन की बात की जा रही है इंडस्ट्री की तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है एमएसएमई के तहत आता है ये एमएसएमई के तहत आता है ये वैसे इसकी स्थापना कब हुई थी 2005 में हुई थी ये आपको याद रखना है और नेक्स्ट हम बात करते हैं नौ नंबर की <coughs> क्या है नौ नंबर एक्सक्यूज व्हिच प्लेयर हैज won द यूएस ओपन ये मैं पढ़ा चुकी हूं आप लोगों को बस आज आप जल्दी से आंसर कर दीजिए यूएस ओपन 2021 ट्वेंटी मेन सिंगल टाइटल तो मेन सिंगल टाइटल यूएस ओपन की बात की जा रही है यहाँ पे आ, किसने जीता है मैं पढ़ा चुकी हूँ आप लोगों को बस आंसर करना है यहाँ पे बताइए नोवाक जोकोविच है ना आते आते इनके हाथ से क्या हो गया था फिसल गया था छूट गया था तो जीता किन किन्हों ने तो आपको याद रखना है यहाँ पे जो है जो प्लेयर है रशिया के जो प्लेयर है है ना तो डेनियल जो है मेद्व, देव, इनके द्वारा ये यूएस ओपन जीता गया याद रखिएगा चलिए नोवाक जोकोविच अगर जीत जाते तो ये जो है यूएस ओपन जीतने वाले फोर्थ मतलब फोर्थ चार जो है ये स्लैम जीत चुके होते हैं लेकिन इनके हाथ में अभी तीन ही स्लैम लगा ये इंपॉर्टेंट है चलिए और नेक्स्ट बात करते हम यहाँ पे दस नंबर की बात करते हैं। हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ लेबनान तो आपको बताना है यहाँ पे लेबनान की बात की गई है तो लेबनान के सबसे अमीर आदमी जो है है ना नजीब मिकताई जो है वो बने हैं प्रधानमंत्री है ना? और ये उनका सेकेंड टर्म है इससे पहले भी वो इस पोजीशन को संभाल चुके हैं ठीक है तो आंसर क्या होगा यहाँ पे आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर पांच चलिए अब जल्दी से झटपट से स्टार्ट कर देते हैं अपना स्टैटिक एमसीक्यू, तो हमारे स्टैटिक एमसीक्यू क्या है इसे हम लोग देख लेते हैं तो पहले चलते हैं स्टैटिक एमसीक्यू के पहले नंबर क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर वन है आपके सामने यहाँ पे पूछा गया दॉर्स सोर्स ऑफ जो है यहाँ पे पूछा गया है थामी थामीरा बारिन है ना नदी का जो है सोर्स पूछा गया है आपसे पश्चिमी घाट की बात की गई है यहाँ पे पूछा गया है सोर्स ऑफ जो है थामीरा जो है आप देख सकते हो थामीरा बा रानी इसको पढ़ सकते हो ऐसे तोड़ करके रिवर लाइज इन वेस्टर्न घाट्स वेस्टर्न घाट पे ये रिवर्स से, है सेकेंड ऑप्शन बोला है आप, आपको बताया गया है क्या इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट रिवर है ना केरला की है आफ्टर पेरियार तो पेरियार के बाद जो है केरला की दूसरी नदी है दोनों में सही क्या है आपको बताना है देखो इस नदी का नाम आप पता नहीं सुने होंगे नहीं सुने होंगे है ना तो वेस्टर्न घाट की नदियों के बारे में तो देखिए चलिए अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है आंसर इस क्वेश्चन की तो इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये आपको याद रखना है कि इस क्वेश्चन में अगर हम बात करें हाँ तो ऑप्शन नंबर वन जो है ये सही है ऑप्शन नंबर टू जो है ये सही नहीं है क्योंकि केरला की नदी पेरियार तो ठीक है लेकिन पेरियार के बाद सेकेंड रिवर जो है केरला की सबसे लंबी नदी ये नहीं है केरला की इसके बाद सबसे लंबी जो नदी होती वो होती है भरतपुंजा तो ये आप यहाँ पे गड़बड़ कर दिया बाद ऑप्शन नंबर वन जो है वो बिल्कुल ही सही है तो इसका आंसर जो है हो गया ऑप्शन नंबर वन सेकेंड नंबर की बात करते हैं आपसे पूछा जा रहा है कंसियर फॉलोइंग रिवर तो इन रिवरों के बारे में बताना है आपको और पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सी जो है वो महानदी की ट्रिब्यूटरीज है महानदी की ट्रिब्यूटरीज तो पूछा जा रहा है ऑप्शन नंबर वन है सियोनाथ उसके बाद है प्रवर उसके बाद जो है हंसदेव तो ये जो है जो है हंसदेव नदी या जो है प्रवरा नदी या सियोनाथ नदी कौन सी जो है, है महानदी की ट्रिब्यूटरी है महानदी के बारे में पूछे गए हैं चलिए देखिए इस क्वेश्चन का आंसर मैं काफी समझ दे दिया आप लोगों को देखिए महानदी देखिए दे जो जो ऑप्शन नंबर हम कह सकते हैं सी यानी वन एंड थ्री है ना तो श्योनाथ नदी और जो हंसदेव नदी है ये जो हैं के है महानदी की ट्रिब्यूटरीज़ हैं कैसे महानदी की ट्रिब्यूटरीज़ हैं क्योंकि देखो महानदी निकलती कहाँ से है महानदी निकलती है छत्तीसगढ़ से है ना और छत्तीसगढ़ से निकलते हुए वो जाती है कहाँ पे उड़ीसा की तरफ तो उड़ीसा जाती है और ये जो शिवनाथ नदी है, ये की है समझ गए शिवनाथ नदी छत्तीसगढ़ की लाइफलाइन कहलाती है और ये उनकी ट्रिब्यूटरीज नदी है ये याद रखिएगा और हंसदेव भी जो है छत्तीसगढ़ की छत्तीसगढ़ से बहती है छत्तीसगढ़ की नदी है और ये दोनों के दोनों जो है वो कुछ किलोमीटर तक बहती है साथ में किसके तो ये कुछ किलोमीटर तक साथ में बहती है आपके महानदी के साथ याद रखिएगा नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पे ऑप्शन uh, नंबर ये हमने घरियाल का बहुत सारा न्यूज़ पढ़ा था याद है आप लोगों को तो हमने घरियाल के बारे में क्रोकोडाइल के बारे में बहुत सारी न्यूज़ पढ़ी थी इसलिए आज ये एम है तो यहाँ पे हम देख सकते हैं फॉलोइंग स्टेटमेंट आपको बताना है यहाँ पे स्पेसिस है और यहाँ पे क्या है उनका स्टेटस है तो अभी आपको बताना है घरियाल जो है क्या वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है या जो मगर क्रोकोडाइल है वो लिस्ट कंसर्न है या शॉल्ट वाटर जो क्रोकोडाइल है ये वल्नरेबल है तो ये तीनों ही प्रजाति के बारे में पूछा गया है आपसे तो तीनों प्रजाति जो है आपको मैं बता दूं ये सभी जो है उड़ीसा में पाए जाते हैं अब मुझे बता भी दीजिएगा उड़ीसा के कौन से डिस्ट्रिक्ट में जो है ये तीनों के तीनों प्रजाति जो है ये पाए जाते हैं फिलहाल इसका आंसर क्या होगा तो इस क्वेश्चन का आंसर है ना इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर वन होगा यानी ओनली वन यानी जो घरियाल है वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है याद रखिएगा तो घड़ियाल जो है वो क्रिटिकली इंडेजर्ड है इंडेंजर्ड है जबकि मगर जो है क्रो, क्रो, क्रोकोडाइल जो है मगर क्रोकोडाइल ये वल्नरेबल में है ये वल्नरेबल कंडीशन में है और जबकि शॉल्ट वाटर जो है वो लिस्ट कंसर्न है तो बस ये मैचिंग है याद रखिएगा ये वाला सही है इसकी मैचिंग ये है एंड ये क्रोकोडाइल की लिस्ट कंसर्न है याद रखिएगा चलिए अब बात करते हैं ये तीनों के तीनों ही जो है अगर हम बात करें यहाँ पे याद रखिएगा ये राजस्थान सॉरी उड़ीसा में पाए जाते हैं जगह का नाम आपको बताना था हमने न्यूज में डिस्कस किया था आपके साथ कई बार चार नंबर की बात करें पे द द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिवर इज लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ द इंडस रिवर तो जो नदी है चेनाव नदी है वो क्या सिंधु नदी की लार्जेस्ट जो है वो ट्रिब्यूटरीज है यानी सहायक नदी है और ऑप्शन नंबर टू कहता है अलकनंदा रिवर ऑरिजिनेट होती है कहां से ग्लेशियर से जिसका नाम है क्या मापचा चुंगो है ना तो क्या मापचा चुंगो ग्लेशियर से निकलती है अलकनंदा और तीसरा ऑप्शन कहता है यमुना रिवर इज द वेस्टर्न मोस्ट एंड द लॉन्गेस्ट ब्यूटी ऑफ गंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर चार नंबर का तो देखिए तो चार नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें यहाँ पे तो आपको याद रखना है क्या कि इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है तो गंगा रिवर की सबसे जो है हम कह सकते हैं वेस्टर्न मोस्ट ट्रिब्यूटरी और लंबी ट्रिब्यूटरी जो है वो यमुना ही होती है ये अपने आप में एकदम सही है ऑप्शन नंबर वन जो है ये भी एकदम सही है लेकिन अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर टू की तो अलकनंदा रिवर जो है वो आपके सतोपंथ ग्लेशियर से निकलती है ना कि मापचा चुंगो है ना तो ये आपको याद रखना अलकनंदा रिवर वही रिवर है तो जिसके कारण जो है बहुत सारी हमारी जो प्रयाग बनते हैं ना प्रयाग पंच प्रयाग जो बनता है कर्ण प्रयाग विष्णु प्रयाग ये सब आपने नाम सुना होगा तो ये पांच के पांच प्रयाग अलकनंदा रिवर के साथ ही डिफरेंट डिफरेंट नदियों के मिलने से बनता है जिनमें एक प्रयाग बहुत इंपॉर्टेंट है देव प्रयाग है ना जहाँ पे गंगा नदी का निर्माण होता है ठीक है तो जहाँ पे भगीरथी नदी अलकनंदा से मिलती है गंगा नदी निकलती नहीं है गंगा नदी बनती है याद रखिएगा तो ये इसी कारण से यहाँ पे हम देख सकते देव प्रयाग से क्वेश्चन ये बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में चलिए अब बात करते हैं पांच नंबर क्वेश्चन की फॉलोइंग पेयर्स तो आपको बताना है मेकॉन्ग है ना ये रिवर्स हैं एक तरफ रिवर का नाम दिया गया और ये कहाँ पे जो है फ्लो करते हैं तो मेकॉन्ग जो है वो क्या अंडमान में फ्लो करता है एंड जो है हम देख सकते हैं थीम्स रिवर जो है ये कहाँ पे आयरिस सी में या जो वोल्गा रिवर है वो क्या कैस्पियन सी में या जो जमवेजी है ये चार ऑप्शन नंबर फोर्थ है ये ठीक है तो जो जमवेजी रिवर है है ना ये जो है आपके ये कहाँ इंडियन ओशियन रीजन में मैं पढ़ाई हूँ जम्बेजी का नाम मैं ली थी एक दिन मैपिंग में पढ़ाई थी आपको चलो मैं हिंट नहीं करूंगी नहीं तो आंसर सही हो जाएगा आप लोगों का तो बिल्कुल देखिए मेकोंग जो रिवर है ना आपने कभी सुना होगा मेकोंग गंगा प्रोजेक्ट ऐसा नाम कभी सुना होगा नहीं सुना तो जान लीजिए मेकॉन्ग रिवर चाइना से निकलती है और बहुत सारे जो है एरिया में इन करती जैसे ये जो है म्यांमार में जाती है लाओस में जाती है थाईलैंड में जाती है समझ गए इस तरह से ये फ्लो करती है, तो मेकोंग एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल रिवर है चाइना से निकलती है और जो है ये पूरे रीजन में लाओस कंबोडिया थाईलैंड म्यांमार होते हुए ये जो है मिल जाती कहाँ पे बे ऑफ बंगाल वाले क्षेत्र में आ जाती है तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो अंडमान है तो ये सिरे से खारिज ये जो है एकदम से खत्म तो ये तो गलत हो गया और ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे हम देख सकते हैं तीन और चार की बात करते हैं तो जम्बेजी रिवर जो है जम्बेजी रिवर ये निकलती कहाँ से साउथ जो है हम हम देख सकते हैं यहाँ पे जो अफ्रीका वाले क्षेत्र से तो अफ्रीका अफ्रीका कॉन्टिनेंट से की है ये जम्बेजी रिवर और जम्बेजी रिवर जो है वो इंडियन ओशियन रीजन में फ्लो करती है है ना आपने मैप याद करा होगा आप मैं डिस्कस की थी तो यहाँ पे इंडियन ओशियन है ये अफ्रीका का मैप अगर हम बात करें बॉर्डर एरिया तो यहाँ से जम्बेजी निकलती है और ये इंडियन ओशन में गिरती है तो जम्बेजी रिवर इंडियन ओशियन क्षेत्र में ही डेल्टा का निर्माण करती बड़े डेल्टा का निर्माण करती जिसका नाम है मोजाम्बिक याद रखिएगा तो ये तो सही हो गया और इसके बाद यहाँ पे देखिए वोल्गा रिवर है तो वोल्गा रिवर तो सबसे लंबी नदी है यूरोप की समझ गए और ये पूरे रशिया में फ्लो करती है डेल्टा का निर्माण करती है और कैस्पियन सी में जो है ये मिलती है है ना तो ये आपको याद रखना है और काजास्तान के साथ बॉर्डर भी बनाती है रशिया की तो वोल्गा रिवर का भी आंसर क्या हो गया सही हो गया तो तीन और चार सही हो गया समझ गए याद रखिएगा और जो थीम्स रिवर है ये तो जो है हम कहते हैं कि ये जो है नॉर्थ सी में फ्लो करती है एशरीज बनाते हुए राइट तो ये सी नहीं होगा यहाँ पे यहाँ पे जो है नॉर्थ सी हो जाएगा बस ये हो गया आंसर तो ये पांच के पांच हमारे जो है वो आ, आपके स्टैटिक एमसीक्यू थे ज्यादातर क्वेश्चन जो है वो रिवर बेस्ड था और ये उद्देश्य भी था कि एमसीक्यू के माध्यम से कुछ इंपॉर्टेंट रिवर को डिस्कस कर लिया जाए चलिए ये है आपका होमवर्क क्वेश्चन जो कि काफ़ी इजी है बहुत इजी क्वेश्चन है क्योंकि इस क्वेश्चन को हमने पहले आपके साथ डिस्कस कर रखा है सो so दैट जितने भी हमारे विद्यार्थी गण हैं वो आंसर दे पाएँ क्योंकि जब क्वेश्चन हार्ड रहता है तो मैं देखती हूँ कमेंट्स बहुत कम आते हैं ठीक है और जब क्वेश्चन बहुत ईजी रहता है तो भर भर के कमेंट्स आते हैं मुझे जो है रियली में पेपर जगह ढूंढना पड़ता है स्लाइड में जगह ढूंढना पड़ता है कि मैं कहाँ कहाँ आपका नाम चिपकाऊँ कैसे मैनेज करूँ राइट तो ये क्वेश्चन जो है पढ़ा हुआ है ठीक है इसका आंसर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में एंड ये है आपका आंसर एम सी क्यूज़ का एंड ऑब्वियसली बात है थैंक यू सो मच है ना एंड अगर 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 नहीं ज्वाइन करा है हमारी जो चैनल है उसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब अवर चैनल सो so दैट आपको जो है सारी की सारी क्लासेस की नोटिफिकेशन मिल जाएंगी एंड डू लाइक शेयर एंड कमेंट थैंक यू अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग